हमारा पेपर नंबर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में। ठीक है, पेपर नंबर 5। जैसे कि आप जानते हो हमारा टॉपिक चल रहा है फेमिनिज्म के बारे में, फेमिनिज्म चल रहा था और साथ में हम लोग ने कल बात की थी इसके बारे में, यह है मस्कुलिन के बारे में, यानी कि पितृवाद क्या है और जो है स्त्रीवाद, नारीवाद, इन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में कि जो फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म मीन्स नारीवाद, नारीवाद है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आपकी बात होती है लिबरल फेमिनिज्म की, देन रेडिकल, उसके बाद आता है सोशलिस्ट, देन कल्चर और फिर इको फेमिनिज्म। यानी कि जो विद्वान है उन्होंने अपने अपने जो है विचारों के आधार पर इनको विभिन्न भागों में बांटा है। तो देखिए क्या कहना चाहते हैं कि जो नारीवाद है उन सबका लक्ष्य क्या है, स्त्री की स्थिति को सुधारना, कि सभी स्त्रियों की जो वर्तमान स्थिति है वो पहले से बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए। तो इसके लिए कुछ कारण है जो उनकी स्थिति खराब है, उसके लिए कुछ कारण रहे हैं, कुछ इस तरह की कमियाँ भी रही हैं और इन सब के प्रति, इन सब जिम्मेवारियों के प्रति वो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, विभिन्न विभिन्न जो लोग हैं उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और वो कहते हैं कि वर्तमान अवस्था के कारण इस अवस्था को बदलने के लिए हमें योजना बनाने की आवश्यकता पड़ती है और लोगों के विभिन्न विभिन्न जो दृष्टिकोण हैं उनके बारे में हमें इसके अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उदारवाद की, यानी कि लिबरल फेमिनिज्म की। इसमें क्या है, कहते ये भी एक सिद्धांत है जो इस बात पर बल देता है कि स्त्री की अपनी योग्यता और कौशलता के आधार पर वो समानता प्राप्त कर सकती है, यानी कि स्त्रियों के अंदर भी उतनी ही योग्यता है जितनी पुरुषों के अंदर है। ठीक है, और उनका दावा है क्या है, उदारवादी जो है वो यह दावा करते हैं कि समाज में प्रचलित यह धारणा जो है असत्य है कि वुमेन्स जो है वो कम इंटेलेक्चुअली डेवलप है, या यूँ कह लीजिए कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है पुरुषों की कंपैरेटिवली कम है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हुए कहते हैं कि नहीं, वुमेन्स जो है वो आदमी के बिल्कुल बराबर है, यानी कि औरत और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। ठीक है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो उदारवाद जो है वो सामाजिक और जो राजनीतिक सुधार और कानूनों के आधार पर इस बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि नारीवाद के समर्थक कहते हैं कि व्यक्ति की महत्वता पर बल देना चाहिए, यानी कि चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को समाज के अंदर समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, स्त्री जो है समाज में स्वयं रह सकती है, अपना स्थान बना सकती है और अपने जो है कौशल के बल पर अपने आप को जो है उजागर कर सकती है। इसी नारीवाद को व्यक्तिवाद नारीवाद भी कहा गया है। ठीक है, इसे क्या कहा गया, व्यक्ति नारीवाद भी कहा गया। ठीक है, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान वेतन मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार उनके पास होना चाहिए, उनको वोट का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य संभाल और इन सब बातों की तरफ वो कह रहे हैं औरतों के ये भी मूल उद्देश्य हैं, यानी कि जहाँ वो इतनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं वहाँ पर उनको अपना अपनी जीवन जीने का, अपनी स्वच्छता के साथ उड़ने का भी उनको पूरा अधिकार होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करना जिनमें मुख्यतः आता है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार स्त्रियों को भी उतना है जितना कि पुरुषों को है। तो उदारवाद कहते हैं कि वे इसमें रुचि रखते हैं इस परिप्रेक्ष्य के अंदर कि ये जो समाज के अंदर लोगों की सोच है, जो वर्तमान स्थिति है उसमें हमें परिवर्तन लाना है। ठीक है, क्रांति की बात नहीं करते लेकिन परिवर्तन की बात करते हैं। कहते हैं कि 1960 के दशक से ये स्थिति कायम रही है, उन्हें विश्वास है कि महिलाओं की इस स्थिति को बदलने के लिए जो है समानता के मार्ग का प्रशस्त होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर लोकतंत्र है, अगर जैसे कि ये समर्थक हैं लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक ढांचे ऐसी अनिवार्य स्थितियों का निर्माता है जहाँ पर इनमें सुधार करके इनको सफल बनाया जा सकता है तथा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता और समानता को केवल कम ही कर सकती है। मींस दोनों को इक्वल राइट्स जो है प्राप्त होने चाहिए जिससे कि औरतें जो हैं अपना जो है अपने आप को विकसित कर सकें। ठीक है जी, ये था हमारा लिबरलिज्म फेमिनिज्म जिसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट है हमारा रेडिकल फेमिनिज्म, जिसे उग्र नारीवाद कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्रांतिकारी नारीवाद भी इसे कहते हैं। इसमें जो है मूल दर्जाबंदी करवाने का पक्षधर है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो प्रसंगों में पुरुष प्रधानता के अस्तित्व को समाप्त करता है, यानी कि इनके जो विचार हैं वो क्रांतिकारी टाइप विचार हैं। वो कहते हैं कि पुरुष प्रधानता के अस्तित्व को समाप्त करना चाहिए और नारी को जो है प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। ठीक है, इस बात का मुख्य उद्देश्य पितृसत्ता
पितृ सत्ता हमने पढ़ी थी, जहाँ पर पिता का जो है मूल अधिकार होता है, ठीक है, यानी कि पुरुष को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जो आदमी होता है, जो पुरुष है, वो कहते हैं किसी भी शुद्ध राजनीतिक प्रक्रिया को अपनाना नहीं है अपितु सामाजिक नियमों और संस्थाओं को चुनौती देना है। इसमें क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रही है किसको, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को। वो कहते हैं स्त्रियों को जो है केवल जो है उपभोग की वस्तु नहीं समझना चाहिए, बल्कि स्त्रियों को जो है स्त्रियों और पुरुषों दोनों के पास समान अधिकार होने चाहिए। वास्तव में नारीवाद के जो विचार हैं वो दृष्टिकोण है, कार्य पेश किए गए हैं, इनमें जो है अनेक जो है किस्मों को, या यूँ कहिए कि नारी के जो विभिन्न विभिन्न रूपों हैं उनके बारे में बात करते हैं, और जो है इनका अभी तक इस बारे में कोई भी इतना जो है निष्कर्ष निकाला नहीं गया है। यानी कि वो विश्वास रखते हैं कि स्त्रियों के जो जीवन है, जीवन शैली है, स्त्रियों के जो पुरुषों की सोच है स्त्रियों के प्रति, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, अब है हमारा थर्ड आता है सोशलिस्ट, यानी कि समाज के बारे में, समाजवादी या फिर मार्क्स की जो थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं नारी जो जीवन है वो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में केंद्र रखता है, यानी कि दोनों जगह उसकी इम्पोर्टेंट है, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे इसका पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे इसका निजी क्षेत्र हो। तो नारी दमन के आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों सूत्रों पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसको द्विधारी सिद्धांत कहा गया है। इसमें जो है पूंजीवाद की भूमिका के बारे में बात की गई है। नारीवाद को जो है तर्क को विशालता प्रदान करता है, यानी कि नारी के बारे में बात करता है और उसके बारे में तर्क देता है कि ये जो पितृसत्तात्मकता है और ये जो जेंडर डिफरेंस है इस चीज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, आर्थिक हो, व्यक्तिगत शोषण हो, विवाह की संस्था हो, बच्चे के जन्म हो, देखभाल, वेश्यावृत्ति, घरेलू कार्य, सब जो है पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर ही थोपे गए हैं। तो स्त्री जो है ये सब जो है सारे के सारे कुछ ऐसी बातें हैं जो स्त्री की प्रतिष्ठा को कम करती हैं। तो ऐसा है कि समाज के अंदर स्त्री को जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, और इसे मार्क्स जो है उनका क्या विचार है, मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक वर्ग को जिन असमानताओं को सहना पड़ता है, ठीक है, उन्हीं कारणों से जो है मार्क्सवाद नारीवाद ने इस दृष्टिकोण को अपने विचारों का आधार बनाया है। यानी कि वो जो है नारीवाद को उग्रवाद की एक श्रेणी के रूप में भी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जो नारी की सभी समस्याओं की एक अलग जड़ आर्थिक प्रबंध को संबोधित करना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नारी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नारी के जो दमन का, वो कह रहे हैं नारी के दमन का जो मुख्य कारण है वो क्या है, पूंजीवाद है। ठीक है, स्त्रियों के विरुद्ध घरेलू जीवन और रोजगार में किए जाने वाले भेदभाव जो है पूंजीवाद के विचारों को जो है इनसे प्रभावित होते हैं। यानी कि जब भी औरत इस क्षेत्र में काम करती है तो उसे पुरुष से कम सैलरी दी जाती है, कहीं ना कहीं ये डिफरेंस जो है ये पैदा है और हमेशा इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो मार्क्सवाद है जो ये है मार्क्सियन थ्योरी है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संस्कृतिवाद यानी कि कल्चर फेमिनिज्म की। उसने बताया है कि जो नारीत्व है उसका सार तत्व एक नारी की प्रकृति है। ठीक है, एक नारी की बात कर रहा है, कहते हैं नारी की जो प्रकृति है उसके बारे में बात करता है। वो कहते हैं स्त्रियों के अंदर बहुत सारे गुण जो है निहित है। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि उनके अंदर केवल कुछ गुण है, उनके अंदर बहुत ही ऐसे गुण है जिनको हम जानते भी नहीं हैं। पुरुषों के गुणों की अपेक्षा अत्युत्तम उनके अंदर गुण विद्यमान है। ये जो गुण है ये मनोवैज्ञानिक हो चाहे सांस्कृतिक हो उसकी प्रवृत्ति के धारक है। यानी कि हर जगह जो है स्त्रियां जो है अपने आप को सभी जगह पर किसी भी पर्यावरण में, किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सभी जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, उनके बीच में बैलेंस बना के रखती हैं। तो ये जो नारीवाद का जो सार तत्व है इसमें पुरुष प्रधान समाज को लागू करना चाहिए और संस्कृति में नारीवाद में उग्रवाद की एक शाखा है, ये इसी की एक शाखा है। इसमें क्या है, यहाँ पर लोग संस्कृति नारीवाद की शुरुआत करते हैं। संस्कृति का क्या मतलब हुआ, संस्कृति नारीवाद का अर्थ अभिप्राय बनता है कि भाई नारी जो है उसको सांस्कृतिक तौर पर भी जो है उसकी उपासना की जानी चाहिए, उसकी पूजा की जानी चाहिए और उसे समान अधिकार पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो नारीवाद नारी के जो है विकास की के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इको फेमिनिज्म यानी कि वातावरणीय नारीवाद। ये जो शाखा है ये राजनीतिक जो है
या सैद्धांतिक की अपेक्षा अधिकतर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के धारक हैं। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने इस इन पितृसत्तात्मक जो प्रथा थी या पितृसत्तात्मक जो प्रवृत्तियाँ थी उनके उनको दूर करने का प्रयास किया है। और वो कहते हैं कि हमारे पास असीमित साधन है जिसका शोषण हो रहा है, क्या करना चाहिए। वो मानते हैं कि वातावरण की तबाही और समाज में नारी का दमन दोनों ही सांकेतिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है। कहीं ना कहीं वातावरण में जो हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दमन हो रहा है, और वहीं कहीं ना कहीं वुमेंस का भी दमन हो रहा है। ठीक है, यानी कि नारी के जो उसको अधिकार प्राप्त हैं, जो उसको जितनी भी उसको फैसिलिटीज़ हैं या जो उसके अधिकार हैं उसका लगातार शोषण होता चला जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इतनी फल फूल नहीं रही है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है। इसने वातावरणीय नारीवाद इस बात की ओर भी बताता है कि पुरुष तथा समाज वातावरण की तबाही को कम करने का प्रयास उन्हें करना चाहिए। ठीक है, और सामाजिक और वातावरणीय अन्याय को दूर करना चाहिए, और ताकि एक स्वस्थ वातावरण को हम पैदा कर सके, एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके। ठीक है जी, उसके बाद इसी में हम देखते हैं कि स्त्री और प्रकृति दोनों को एक रूप बताया गया है। ना तो प्रकृति का शोषण होना चाहिए और ना ही स्त्री का शोषण होना चाहिए। अगर इनका शोषण होगा तो एक समय के बाद ये सब चीज़ें, ये सब जो है प्रकृति के जो उपहार हमें प्राप्त है वो भी खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए इनका सम्मान किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, ये था हमारे जो आज का है टॉपिक। इसमें किसी बार बात की गई टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की बात की गई। उन्होंने सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए कि इस तरह से जो है स्त्रियों की इज्जत होनी चाहिए, स्त्रियों को जो है सम्मान प्राप्त होना चाहिए। तो भारत में जो इसकी इस हिस्ट्री के दौरान एक लहर ऐसी आई, इसे भारतीय नारीवाद लहर का इतिहास कहा गया, जिसमें यह देखा गया, देखिए इसके अंदर क्या देखा गया, कि जो नारीवाद में स्त्रियों की सहभागिता जो थी वो 20वीं शताब्दी के अंत में काफ़ी देखी गई। राजा राम मोहन राय, बहुत सारे ऐसे पुरुष थे जैसे राजा राम मोहन राय थे, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, फूले रामानंदे थे, और इन्होंने जो है स्त्रियों के पक्ष में बहुत अधिक कार्य किए, जैसे सती प्रथा की समाप्ति की गई, बाल विवाह का उन्मूलन किया गया, विधवा विवाह पर जो है इन्होंने पाबंदी लगाने वाली परंपराओं का इन्होंने विरोध किया। तो भारत जैसे विकसित देश में जहाँ पर नारीवाद की लहर है वहाँ पर जो है कुछ सीमा तक इन चीज़ों पर काफ़ी जो है हद तक नियंत्रण किया गया। और क्या है, भारत के सभी क्षेत्रों में, चाहे ऐतिहासिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ पर जो है नारी की जो है पुरुषों और नारियों को इक्वल अधिकार यानी कि समान अधिकार जो है उनको प्रदान करने की बात की गई है। इससे क्या होगा कि जो है नारी सशक्तिकरण में बहुत अधिक सहायता मिलेगी और विभिन्न संस्कृति और प्रथाओं के अंदर वो अपने जो है संरचना को मजबूत बना पाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें जो है विभिन्न पड़ावें फर्स्ट फेजेस है जिसमें जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा बात की गई, और स्त्रियों और पुरुषों का जो है उन्होंने हिंदुत्ववाद के कठोर लिंग भूमिकाओं का विरोध किया। नारीवाद के अंतर सती प्रथा, बाल हत्या और जो है संपत्ति के समान अधिकार और शिक्षा संबंधी अधिकारों का के प्रति बहुत अधिक संघर्ष किया गया, और हिंदू परंपराओं में इनको बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया। ठीक है, फिर द्वितीय पड़ाव आया। द्वितीय पड़ाव के अंदर हमने देखा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरोध में नारी सहयोग को विशेष स्थान प्रदान किया, और सच्चे अर्थ में उन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है 1927 के अंदर मार्गरेट बहनों के साथ जो है उनको उनका अधिकारी बना दिया गया, और एक ऐसी संस्था स्थापित की गई जिसमें औरतों को अधिक जो है उनका योगदान अधिक रहा। फिर तृतीय पड़ाव आया, तृतीय पड़ाव यानी कि थर्ड फेज आया। इसके दौरान देखा गया कि बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे लैंगिक भेदभाव हो गया, धार्मिक नियम हो गए, पितृसत्ता हो गया, ठीक है, कन्या बाल हत्या हो गया, और राष्ट्रीय स्तर पर नारी हिंसा के बारे में इन जो है विभिन्न टॉपिक पर बात की गई, विभिन्न इनको जो है नारी सशक्तिकरण के बारे में बात की गई, इस विषय पर बहुत अधिक कार्य करने शुरू कर दिए गए, और फिर नारी संगठनों की स्थापना की गई जिसके दौरान जो है नारियों को धीरे धीरे क्या किया गया, स्वतंत्रता के पश्चात नारियों को जो है 50-55% जो है उनको आरक्षण जो है मिला, जिसके द्वारा जिससे जो है वो सामाजिक योजनाओं का जो है लाभ उठा सके और अपनी जो है सहभागिता दे सके। ठीक है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, फ्री एजुकेशन उनको प्रोवाइड की गई, जिससे क्या हो कि अपने जो है विकास कर सके और जो है स्त्रियाँ जो है उच्च वर्ग की तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और नारी सशक्तिकरण की तरफ बल दिया गया। ठीक
ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म के बारे में, टाइप ऑफ फेमिनिज्म के बारे में और हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि कौन कौन से पड़ाव आए, तीन लहरें आई हमारे पास, थ्री फेज आए, ब्रिटिश हो गया, देन उसके बाद महात्मा गांधी और उसके बाद जो है आज का युग जो आज चल रहा है। तो आज का है, पहले से अगर हम बात करें तो आज की स्थिति है बहुत अधिक बेहतर हो चुकी है नारीवाद के क्षेत्र।